दोस्त, चैट जीपीटी के आने से आप लोगों को तो ये न्यूज़ में पता चला ही होगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। कहीं तक ये सच भी है और कहीं तक ये झूठ भी है, क्योंकि चैट जीपीटी सारी की सारी चीज़ें रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है आपको जॉब्स को ही रिप्लेस कर दे, बट वहीं पे एक सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट चैट जीपीटी लेके आया है, मार्केट में एक जॉब डिमांड लेके आया है जिसका आपने शायद सुना होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या है बेसिकली, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर के नॉर्मली पैकेज 8 से 10 लाख रुपए होते हैं स्टार्टिंग। अब आप समझोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर ऐसा क्या है इसमें, तो भाई आप सर्च करके देखो गूगल पे, आपको बता देगा कि भाई 8 से 10 लाख 12 लाख तक के पैकेज मिल रहे हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बंदे को। तो मैं बता दूं आपको कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप कोर्स सर्टिफिकेट ले सकते हो और कैसे इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आपको पता है आजकल ऑलमोस्ट हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कि आप लैपटॉप पे कर रहे हो, उसके लिए आपको एआई मिल जाएगा। आपको इमेज से वीडियो बनाना है, आपको टेक्स्ट वीडियो बनाना है, आपको पीडीएफ से वीडियो बनाना है, आपको वर्ड से पीडीएफ बनाना है, एआई के थ्रू एप्लीकेशन बनाना है, वेबसाइट बनाना है, सारा का सारा अब ये आप काम एक एआई के थ्रू कर सकते हो, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वहीं पे काम आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, कि मतलब अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट चैट जीपीटी पे क्या लिखोगे कि आपको वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। कि जैसे अभी आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती है गूगल पे सर्च करने के लिए, बट वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी डालते हो थोड़ा बहुत मिलता जुलता, तो आपके पास 4-5 लिंक ओपन हो जाते हैं वहाँ पे गूगल के। बट यहाँ पे चैट जीपीटी में क्या है कि आप उसको प्रॉम्प्ट दो, वो आपको एक ही आंसर देगा, बट वो पता नहीं आपने प्रॉम्प्ट किस हिसाब से डाला, वो आपको एग्जैक्ट आंसर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली आप प्रॉम्प्ट क्या दोगे एआई को, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो यहाँ पे जब से चैट जीपीटी आया है तब से एक ओपनिंग भी लेके आया है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की। तो आप अगर इसका सर्टिफिकेट करते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको गूगल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि सर्टिफिकेट एकदम फ्री हैं, और आप इसके बाद कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये आना चाहिए कि आपके पास, अगर जैसे मान लो आप हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अभी गूगल पे डालोगे आपको 4-5 आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी में आप डालोगे हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको एक ही आंसर मिलेगा और प्रॉपर वो मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर रहे हो कि विंडोज है कि लाइनेक्स है कि मैक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गए तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि नहीं, मैं विंडोज इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैं वहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड डालूंगा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 10, विंडोज 11। तो ऐसे करके जो आप वो प्रॉपर डालोगे तो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे लोगों ने अभी ये कोर्स किया भी नहीं है, नया नया मार्केट में आया। तो आप चाहो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन फ्री में ले सकते हो गूगल से और सीख सकते हो। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप डेवलपमेंट के फील्ड में हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना ही चाहिए, एक प्लस सर्टिफिकेट के हिसाब से या एक प्लस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी ताकि आपकी जॉब रिप्लेस ना हो। बाकी एआई कितना भी आ जाए, इतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी जॉब्स मार्केट में रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट अभी एआई हुआ नहीं है। अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे मेरा पीडीएफ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 90-95% आपको क्वेश्चंस वही दिलाएगा आपके इंटरव्यू में, एंड मेरा रिज्यूम में पड़ा हुआ है, आप चाहो तो भी चेकआउट कर सकते हो, और आपको 100% शॉर्टलिस्ट कराएगा किसी भी पोर्टल पे। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।